अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमें कुछ पिछली वीडियोस के हवाले से बात करनी है, जैसे कि कॉपर प्लेटिंग हो गई, हार्ड क्रोम हो गया और ब्राइट निकल हो गया। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वाजे कर देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कॉपर के अंदर अगर आपके प्लेटिंग का कलर कहीं तेज़ आ रहा है, डार्क कहीं हल्का आ रहा है, तो उसके अंदर आप एक काम कर सकते हैं, सोडियम तार सल्फेट लेके थोड़ा सा पानी में घोलें और उसमें आहिस्ता आहिस्ता मिलाएं, आपकी प्लेटिंग का कलर बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा गुलाबी, और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और काम भी बहुत अच्छा करेगा। इसके बाद आ जाते हैं हार्ड क्रोम पे। हार्ड क्रोम के अंदर अक्सर ऐसा होता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है सल्फेट के लिए, तो उसके अंदर आप सोडियम सल्फेट भी यूज़ किया कर सकते हैं, तो लेकिन उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो फिर इसमें रफनेस भी आ जाएगी, पिटिंग भी आ जाएगी, और थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि 20 से 50 ग्राम पर लीटर के दरमियान में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने सप्लायर से ज़रूर रब्ता करें कि वो ये इसमें कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह निकल प्लेटिंग में जब आप ब्लीडिंग कर रहे होते हैं, किसी वक्त अचानक जोड़ों में काला आना शुरू हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए आसान तरीका यह है कि आप प्यूरीफायर यूज़ कर लें 1 ml/L, तो जड़ें आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, ब्लीडिंग बिल्कुल अच्छी आएगी। शुक्रिया।